सो दोस्तों, मैं जानता हूँ RC24 में हार्डकोर में खेलना कितना आपके लिए टफ हो चुका है। कोई भी गेम प्लान वर्क नहीं कर रहा है, AI जो है धड़ाधड़ मारे जा रहा है। सो दोस्तों, दिन रात बहुत मेहनत किया इस बॉलिंग ट्रिक्स को लॉन्च करने के लिए। सो दोस्तों, इस मेहनत के लिए एक लाइक कर देना, आपका गेम प्ले बिल्कुल ही रियलिस्टिक हो जाएगा। AI आप पूरा का पूरा कंट्रोल में आ जाएगा आपका। लेकिन मैं जैसे बोलूंगा ठीक वैसे डीटो टू डीटो बॉलिंग करना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। इस बॉलिंग ट्रिक्स से अभी आपको विकेट भी मिलेगा, अभी आप किसी भी टारगेट को डिफेंड भी कर सकते हो। सो दोस्तों, इस ट्रिक को इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यॉर्कर बॉलिंग डालना है। लेकिन दोस्तों, यही पर बात है कि भाई हम तो यॉर्कर डालते हैं, हमें तो विकेट मिलता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अभी आज हम सिखाएंगे कैसे आपको परफेक्ट यॉर्कर डालना है इस गेम पे, क्योंकि यॉर्कर तो बस विकेट के आगे डालो यॉर्कर हो जाता है। बस ये वो वाला यॉर्कर नहीं, आपको एकदम परफेक्ट यॉर्कर डालना है। और इसके लिए आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, अच्छे से सुनना, ये जो तीनों स्टंप देख रहे हो आप, इस तीनों स्टंप के सामने ये जो बॉलिंग का सर्कल देख रहे हो दोस्तों, इसको आपको ना ही ऑफ स्टंप पे डालना है ना ही लेग स्टंप पे डालना है। दोस्तों, इस सर्कल को आपको ठीक ऐसे डालना है ताकि इस तीनों स्टंप के दोनों साइड पे बराबर साइज का रहे। यानी कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो तीनों स्टंप देख रहे हो, तीनों स्टंप का दोनों साइड पे ये जो सर्कल बाहर निकला हुआ है, दोनों साइड पे इसका जो साइज है वो एकदम टाइट रहना चाहिए। यानी कि दोनों साइड का साइज जो है एकदम बराबर रहना चाहिए, कहीं भी ज्यादा या फिर कहीं भी कम नहीं होना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि इस साइड में काफी ज्यादा निकले या फिर इस साइड में कुछ ज्यादा निकले, ऐसा नहीं है। दोनों साइड पे एकदम साइज बराबर होना चाहिए, तभी आपका परफेक्ट यॉर्कर निकलेगा। दोस्तों, इस टाइप के बॉलिंग डालने के बाद आप कोई भी वेरिएशन डाल सकते हो, चाहे आउट स्विंग चाहे इन स्विंग, पर मेरे कहने माने तो आउट स्विंग ज्यादा डालना, इन स्विंग थोड़ा सा कम डालना। ध्यान रखे दोस्तों, ऐसे बॉलिंग करने पर अगर आपको AI फिर भी चौका मार दे तो आपको यॉर्कर से हटना नहीं है, यॉर्कर ही डालना है। अगर आउट स्विंग पे आपको चौका मारे तो आपको तुरंत वही वाला यॉर्कर डाल के इन स्विंग डाल देना है। अगर आपको फिर भी चौका मारे तो आपको आपका जो बॉलिंग का स्पीड मीटर है, अगर आपने पेस बॉलिंग डाल रहे थे तो तुरंत आपको गति को घटा देना है। और बीच बीच में एक दो बॉल आप लेंथ में डाल सकते हो। मैंने एक फील्डिंग प्रेशर दिया हूँ पावर प्ले के बाद, आपको वो वाला फील्डिंग प्रेशर पावर प्ले के बाद यूज करना है। पावर प्ले के पहले कौन सा फील्डिंग प्रेशर यूज करना है मैंने नहीं दिया हो, वो आपने अपने हिसाब से लगा लेना। बट ये रहा सबसे बढ़िया ट्रिक दोस्तों, ये ट्रिक इस्तेमाल करो जैसे बोला हूँ ठीक वैसे ही इस्तेमाल करना है। यॉर्कर परफेक्ट डालना है, यॉर्कर गलती से भी परफेक्ट से ज्यादा चूकना नहीं है, फिर AI छोड़ेगा नहीं। तो ऐसे करोगे तो आपका गेम प्ले 110% इम्प्रूवमेंट होगा, आपको विकेट भी मिलेगा, आप टारगेट डिफेंड भी कर सकते हो, कोई भी टारगेट AI के ऊपर आप दबाव भी डाल सकते हो। बस अब करके देखो, थैंक यू बोलने आप जरूर आओगे मेरे चैनल पे। बस मैंने बहुत कड़ी मेहनत की, बस इसके लिए चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक का बटन जरूर प्रेस करके रखना।